नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय कि क्या तीन भाग्य रेखाएं अशुभ होती हैं, असफलता दिखाती हैं, तो आइए करते हैं विश्लेषण। तो देखिए, ये शनि की उंगली, ये नीचे शनि का पर्वत, यह फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट को ही वेल डेवलप्ड माना जाता है। ऐसे में मणि मन से एक रेखा उठे, से लाल उठ रही है। मणि मन से उठे और शनि पर्वत पर जाए, ये रेखा स्पष्ट हो, गहरी हो, पतली हो, निर्दोष हो। अगर दोनों हथेली में यही लक्षण है तो सोने पे सुहागा। ऐसा जातक संपन्न होता है, धनी होता है, उसके प्रयासों को अनुकूलता मिलती है। ऐसा जातक एक या दो क्षेत्रों से धन कमा सकता है, अपार धन। और ये धन का स्रोत कहाँ से मालूम पड़ेगा? एक स्रोत कि जो ये जुपिटर है और शनि है, इन दोनों पर्वतों को जोड़ने वाली यहाँ पर जो रेखा है ना, लाल हॉरिजॉन्टल, ये दिखा रही है कि जातक की जिंदगी में धन आगमन का स्रोत एक होगा। आगे चलिए, यदि आपकी हथेली पर दो भाग्य रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर ये सफ़ेद है, स्पष्ट, पतली, गहरी, निर्दोष, शनि तक पहुँच रही है, और ऐसा दोनों हाथों पर भी है, ये बहुत ही शुभ। ऐसा जातक को अपने प्रयासों में अनुकूलता मिलती है, वह सफल होता है, और कम से कम दो या तीन क्षेत्रों से धन आगमन हो सकता है, धन का स्रोत बन सकता है। लेकिन कई बार हथेली पर रेयर होता है, लेकिन होता है कि तीन भाग्य रेखाएं होती हैं और तीसरी भाग्य रेखा भी स्पष्ट है, गहरी है, पतली है और निर्दोष है। मणि मन से निकल कर शनि पर जा रही है और दोनों हाथों पर भी ऐसा है, तो पामिस्ट्री में इसको अशुभ माना जाता है। सीधा सा इशारा दे रही है कि जातक अधिक क्षेत्रों में प्रयास करेगा, दो से अधिक क्षेत्रों में प्रयास करेगा सफल होने का, लेकिन कंसंट्रेशन डाइवर्ट होने के कारण या मानसिक रूप से उसके पास क्षमता नहीं होगी, इस कारण वह तीन क्षेत्रों के दबाव को झेल नहीं पाएगा, परिणाम असफलता। इसलिए तीन भाग्य रेखाएं अशुभ मानी जाती है, असफलता का सूचक, घातक होती हैं, ये पामिस्ट्री कहती है। लेकिन मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हमारी हथेली पर तीन भाग्य रेखाएं हैं, जरूरी नहीं कि हर बार वो आपको असफलताएं दिलाएं, अशुभ हों। जब तक हमारे पास एक भाग्य रेखा थी तो हमारी छोटी मस्तिष्क रेखा भी काम करेगी, दो हैं तो भी थोड़ी लंबी चंद्रमा तक पहुंच जाए काम करेगी। अगर तीन भाग्य रेखाएं हैं और हमारी जो मस्तिष्क रेखा है वो मान लो ये गुलाबी वाली सीधी बिना कर्व के सीधा चले और डिफेंसिव मार्स के अंदर पहुंच जाए, और डिफेंसिव मार्स वेल डेवलप्ड, अब जातक मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गया, वह किन्हीं भी परिस्थितियों में विचलित नहीं होगा, नर्वस नहीं होगा। ऐसा जातक तीन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी है, डिफेंसिव मार्स से पहुंच जाए या बिना कर लिए हुए हथेली के आर पार हो जाए, लेकिन चंद्र से ऊपर या बहुत ज़्यादा बुध की तरफ देखे
वहाँ पर कोई अशुभता ना हो। ऐसे जातक को सफलता मिलेगी, तीन क्षेत्रों में मिलेगी और उसके जीवन में धन आगमन के तीन स्रोत बन सकते हैं, ये मालूम पड़ेगा आपको। देखिए सैटर्न और गुरु पर्वत के बीच में जो सेतु रेखा है ना हॉरिजॉन्टल, ये गुलाबी रेखा, ये रेखाएँ दिखाई दे रही हैं, वो इंगित कर रही हैं धन आगमन के स्रोत को। तीन है या चार भी हो सकती हैं। ऐसा जातक निश्चित तौर पर मजबूत मस्तिष्क वाला होगा, तभी उसे सफलता प्राप्त करेगी मिलेगी और वह जिंदगी में अपार धन कमा पाएगा, वो भी तीन या तीन से अधिक क्षेत्रों से, तीन या चार भी स्रोत बन सकते हैं। तो ये था कि ये तीन भाग्य रेखा भी शुभ साबित हो सकती हैं, सफलता दे सकती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।